मुझे मतलब जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कुछ पता नहीं पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। जैसे मैं बिग बॉस के घर में जिस दिन घुसा था वो टनल में से रात को 2:30 बजे, तो 12-13 लोग ने हेलो बोला था और द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने देखा था वो शिव था। और मैंने नोटिस किया था इसके आर्म्स इतने बड़े हैं। बोला यार क्या आर्म्स है तेरे। और देखो ऊपर वाला निमृत कैप्टन थी और हम दोनों को बेड शेयरिंग हो गया, तो हम लोग की दोस्ती वहीं से हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़के का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत दिल का लड़का है और इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ते जा रही है। बस आई जस्ट प्रे फॉर हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय हार्ट। काफी लोग शिव के भी फैंस हो गए या फिर आपके भी फैंस हो जाए, काफी लोग की ये इच्छा है कि आप एज अ डायरेक्टर और वो एज अ हीरो। नहीं नहीं प्लीज प्लीज बर्थडे पर व्हाई नॉट, कभी जिस दिन स्क्रिप्ट दोस्ती और बिजनेस कहते कभी ये नहीं होना चाहिए। ये जिस दिन मेरे को अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा व्हाई नॉट आई विल वर्क। क्या लगता है शिव के ऊपर कैसी स्क्रिप्ट फिट होगी, क्योंकि काफी आई थिंक सर से काफी इंस्पायर। आई थिंक अभी ये कर रहा है, कुछ एक्टिंग क्लासेस अभी शुरू कर रहा है ये, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हैज़ अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। और मैं तो इसको बोलता हूँ तू अभी एक साल तक अभी और रियलिटी शोज कर, माल छाप। सर थोड़े खत्म हो गए, मैं ढूंढ रहा हूँ। भाई बाइट में सबसे पहले और सबसे आखिरी बात, हैप्पी बर्थडे शिव, गॉड ब्लेस यू भाई, तू बहुत अच्छा कर रहा है और हमारा भी शो भी आया है, आप उसको और गहराई से जानोगे। बहुत अच्छा बोला है उसने। और गाइज शिव की तो क्या बात कहो यार, मराठी मुलगा है, उसको दिल से सलाम है और उसके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहा है। रियलिटी शोज में तो किल कर दिया, बट मेरे भाई का एक ही फ्यूचर है, वो है मूवी, और इंशाल्लाह वो बहुत आगे जाने वाला है। इंशाल्लाह थैंक यू। ऑफकोर्स मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके लिए बेस्ट विशेज है हमेशा से। उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। वो जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया खास, तो वो उसी तक सीमित रखूंगी मैं। आई डोंट वांट टू रिवील इट टू एनीबॉडी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप पर्सनली देना पसंद करते हैं। सोया शिव, मैं अभी तक शिव को मिली नहीं हूँ। दिस इज लिटरली मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ यार शिव से, बट इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ हिम टू इनवाइट मी। हमारी पहले बात हुई थी बहुत कम, फिर उसके बाद बाहर आने के बाद उसने मुझसे बात की एंड उसने इनवाइट किया। सो इट्स लाइक स्वीट, आई विल जॉइन, क्योंकि नायरा भी जा रही थी, लाइक आई कैन गो विद हर। सो इट्स गोइंग प्रीटी गुड, पीपल आर लाइकिंग इट। मज़ेदार शो है, इट्स अ मर्डर सस्पेंस। एंड देखिए आप लोग देखिए और मुझे खुद रिव्यू बताइए हाउ यू लाइक इट। हम अभी मिले हैं, रील की वजह से मिले हैं, और मैंने उनको मराठी बिग बॉस में देखा है। एंड मुझे लगा कि ये इंसान बहुत मिट्टी से जुड़ा है और महाराष्ट्र का आदमी है, मराठी मानुष है, तो उसको तो हम सभी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं बोला जैसे बोल रहा हूँ कि बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे बॉय के लिए टॉयज तो होने चाहिए ना, तो वही है। कुछ नहीं, मैं एक्चुअली देखा जाए तो मैं एक्चुअली शिव का फ़ैन हूँ। मैं उसको बिग बॉस मराठी से फॉलो कर रहा हूँ एंड आई थिंक ही इज़ जस्ट एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन। तो आई जस्ट वॉन्ट टू विश हिम, उसकी जर्नी अभी शुरू हुई है, ही इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। विश हिम लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस, बिकॉज आई थिंक अ गुड पर्सन लाइक शिव डिजर्व्स दैट। सो आई हैव कम हियर टू स्पेशली विश हिम एंड गिव हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज लाइफ एंड ईयर्स अहेड। शिव को ये बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे शिव, के साथ बहुत मज़ा आया यार, एंड आई एम ग्लैड वी गॉट टू नो ईच अदर। एंड हमने बहुत मस्ती की खतरों में, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी ऑन स्क्रीन, एंड बहुत मज़े किए, बहुत हंसे रोए, चोटे खाए, धक्के खाए, एंड ऑल माई लव टू हिम एंड विश हिम ऑल द सक्सेस। मतलब मैं बोल शिव नाम ही है उसका, महादेव की कृपा है उसके ऊपर। मैं क्या बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा खुश रहे, हैप्पी बर्थडे। अरे रुक जा तू, बोल लेने दे मुझे उसको पहले हैप्पी बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे शिव, खूब खुश रहे, ऐसी तरक्की कर, ऐसी मस्त रहे और नाम कमाते रहे और बढ़िया काम करते रहे, लव यू भाई। मुझे बहुत ही करीबी लगता है शिव, हम लोग बहुत बार मिले हैं, बहुत जल्दी एक मराठी फिल्म भी करने वाले मैं और शिव। सो इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड उसका बर्थडे तो आना ही था, मैं शूट कर रहा था, उसने मुझे मैसेज किया, मैंने बोला यार मैं जल्दी आऊँगा लेकिन आऊँगा ज़रूर, फिर कल सुबह फिर शूट पे जाना।
शिव को मैं बिग बॉस से जानती थी और मेरे मॉम डैड माय होल फैमिली शिव के फ़ैन थे बिग बॉस से, और लेकिन शिव को मुझे खतरों में एक्चुअल में जानने को मिला, तो आई एम रियली ब्लेस्ड दैट वी आर फ्रेंड्स नाउ। और शिव की जितनी भी पूरी फ़ैन फॉलोइंग है और जितनी भी आर्मी है और शिव के फैंस हैं, उन लोगों ने एक हैशटैग निकाला है कॉल्ड ओनली शिव ठाकरे मैटर्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसे इतना प्यार मिलता है और अपने फैंस से भी और अपने दोस्तों से भी। सो आई जस्ट वांट टू से हैप्पी बर्थडे शिव, अल्लाह आपको खूब तरक्की और कामयाबी दे और आपकी उम्र दराज हो, आमीन। एंड हैशटैग ओनली शिव ठाकरे मैटर्स। आप हटो ना यार।